फ्रेंड्स, तो आज हम जा रहे हैं हमारे गांव और मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो व्लॉग बनाने वाली हूँ मैं। तो अब मैं यहाँ से, मतलब यहाँ मैं पुणे में रहती हूँ, यहाँ से हम जाएंगे सातारा। पुणे से सातारा तक जाने के लिए हमें 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। तो अब हम जाने वाले हैं और एक सरप्राइज है कि हम किससे जाने वाले हैं। तो हम जाने वाले हैं छोटा हाथी, आपने सुना ही होगा, जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है, मतलब मटेरियल ले जाने के लिए यूज होता है, उससे हम जाने वाले हैं। वो हमारे शॉप पर, मतलब मेरे पति का और मेरे जेठ जी का शॉप है, तो वहाँ पे फैब्रिकेशन का काम होता है। तो हमारे इंक्यूबेटर बनते हैं वहाँ पे, जो एक हैचिंग का मशीन होता है, वो तो वो हम लेके जाने वाले हैं। उसके 2 ऑर्डर थे तो हम वो लेके जा रहे हैं सातारा। तो वहाँ पे वो हम डिलीवर भी कर देंगे और वहाँ पे हमारे घर वालों से भी मिलेंगे, तो इसलिए हम जा रहे हैं उसमें से ही। और तो बहुत मजा आएगा, तो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है अभी। तो यहाँ पे हो गई हमारी सारी तैयारी, चलते हैं बाहर। ये है हमारे मालिक। ये जिस गाड़ी से हम जा रहे हैं उसके मालिक है ये। नहीं क्या है? चीज। कितना चिल्लाता है ये मालिक। सो फ्रेंड्स, तो अब हम निकल रहे हैं गांव के लिए। 5:30 बज गए हैं, तो मेरे पति का कुछ काम रह गया था इसलिए हमें लेट हो गया है। तो यहाँ पे परी की मामा हमें बाय करने के लिए खड़ी हैं, तो उनको बाय करते हैं और निकलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं नीचे, तो अब चलते हैं शॉप की तरफ। वहाँ पर ही गाड़ियाँ हैं, तो उसी में से हम जाने वाले हैं। तो ये देखिए, हम शॉप पर आ चुके हैं और ये 500 कैपेसिटी का इंक्यूबेटर है, एग इंक्यूबेटर। तो अगर आपको चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे पति का नंबर दे दूंगी, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इन गाड़ियों में से हम जाने वाले हैं, तो अभी उनमें मशीन रखी है, तो उनको अच्छे से बांध के हम निकलेंगे। तो यहाँ हम फिर जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे कुछ रह गया तो नीचे हो गए। तो यहाँ पे मैं फिर से आ गई हूँ शॉप पर और यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कि वीरू कहाँ पे रुकने वाला है, उसके माँ के घर या हमारे घर। तो ये मेरे जेठानी का भाई है, तो यहाँ पर आए हैं कॉलेज के लिए, तो उसका डिस्कशन चल रहा था। तो अभी ये टाइट कर रहे हैं, उसको अच्छे से मशीन को बांध लेंगे। तो यहाँ पे ये बच्चा मुझे अभी स्टोरी सुना रहा है मराठी में। और यहाँ पे चल रहा है अमित, अपने फ्रेंड्स को दिखा रहा है मशीन और उनका चल रहा है डिस्कशन की कहाँ से क्या होने वाला है इस मशीन में। तो अब हो गया है जाने का टाइम, तो हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब निकल रहे हैं यहाँ से। कितने बजे हैं अमित? 8 बजे है, 6:55 हो गए हैं, 6 बज गए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, तो हमारे तो यहाँ पर एक बड़ी सी भाजी मंडी है, भाजी मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट है, कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे मैंने मेरे फैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट की थी।
तो यहाँ पे राइट साइड में जो बिल्डिंग है ग्रीन कलर का नेम लिखा है वहाँ पे, तो वहाँ उस बिल्डिंग में मैंने मेरा फैशन डिज़ाइनिंग कम्प्लीट किया था, वहाँ पे इंस्टीट्यूट है। तो थोड़ा सा अभी खाते हैं, कुछ भूख लगी है, तो मैंने जो पॉपकॉर्न लिए थे घर पे वो हम अभी खा रहे हैं। हम खा रहे हैं पॉपकॉर्न। तो फ्रेंड्स अभी खाने का ही टाइम है, तो हम अभी खाते ही रहेंगे जब तक पहुंचते नहीं है। तो अब मैंने ऑरेंज लिया है, तो आप सोच रहे होंगे ये क्या खा रही है, तो मैं खाती ही रहूँगी अभी थोड़ा थोड़ा करके, हम खाएंगे बीच बीच में। तो यहाँ पे थोड़ा अमित कर रहा है मस्ती, वो देख रहा है कैमरा में उसका चेहरा। तो यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है क्या खाएंगे हम, तो डिसाइड हो गया है हम बर्गर खाने वाले हैं, तो चलिए। और यहाँ पे अमित मुझे कान में बोल रहा था कि बताओ ना कि हम क्या खा रहे हैं, तो उसको मैंने बोल दिया कि हम, मैंने पहले बता दिया कि हम ऑरेंज खा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने तो खा लिया है ऑरेंज, तो अब हम थोड़ा सा अमित के चाचा को भी दे देते हैं बचा कुचा। मेरी क्रिसमस से ऑल टू मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। तो जब हमने ये वीडियो शूट किया था तब क्रिसमस था, इसलिए हमने विश किया है, सॉरी फॉर द लेट गाइस। तो अब हम यहाँ पे CNG भरने के लिए रुके हैं, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पुणे में ट्रैफिक है, हम यहाँ पे अटक गए हैं, खड़े हैं और वहाँ पे चल रहा है CNG भरना। तो चलिए अब CNG भर के तो हो गया है, अब बैठते हैं गाड़ी में। तो अमित को वॉशरूम लेके आई हूँ मैं, इसलिए अमित ने ले लिया है सैनिटाइज़र, क्योंकि हैंड सैनिटाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूर है। तो हम दोनों ने हैंड सैनिटाइज़ कर लिए हैं, अमित के चाचा ने भी कर लिए हैं, आप भी ज़रूर करें जब भी आप बाहर से आए। तो अमित अमित की पसंदीदा सीरियल बता रहा है। तो यहाँ पे अमित मुझे रीजन बता रहा है कि उसने मास्क क्यों पहना है वीडियो के शूट के अंदर, क्योंकि उसके दांत जो आगे के हैं वो गिर गए हैं और उसे बहुत शर्म आ रही है, तो इसलिए। तो यहाँ पे कर रहा है अमित व्लॉगिंग, उसकी थोड़ी सी हिंदी फनी है, आपको भी बहुत सुन के मजा आने वाला है। अमित इतने देर से सुना रहा है सब कुछ, तो इसकी हिंदी बहुत ही ज्यादा क्यूट है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हम टनल में पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर लग रहा है। हम पिज्जा खाने के लिए रुकने वाले हैं।
अब हम पहुंच गए हैं मैकडॉनल्ड। तो अमित को पिज्ज़ा खाना था, तो पिज्ज़ा तो नहीं मिलेगा। अभी हम बर्गर और फ्रेंच फ्राइज लेने वाले हैं, तो वो दोनों गए हैं लेने के लिए, तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ गाड़ी में। चलो बैठते हैं। तो ये लोग लेके आ गए हैं बर्गर और फ्रेंच फ्राइज, तो अब हम खा रहे हैं। तो आप भी आइए खाने के लिए, ले लो एक बाइट। मेरा भी ले लो। अमित का भी ले लो। आपको बनाना है तो बनाइए, नहीं तो नहीं बनाइए। अमित के अंकल गए हैं, क्या लाने गए हैं? पेड़े, कंदी पेड़े, सातार के कंदी पेड़े स्पेशल है, वो लाने गए हैं। क्योंकि ये गाड़ी नहीं है तो इसको हम घर लेके जा रहे हैं, तो उसका जो पूजा वगैरह करेंगे उसमें देने के लिए लोगों को, तो इसलिए वो लेने गए हैं कंदी पेड़े। यहाँ के बहुत स्पेशल है, आपको दिखाऊंगी मैं लाने के बाद उनको। 10 बज गए और 10 बजे यहाँ पे सारी दुकानें बंद हो गई है, पर वो खुला था एक, तो उसमें वो लाने गए हैं, तो वहां से लेके आएंगे। अभी आने के बाद हम जाएंगे यहाँ से अमित के बुआ के घर और वहां से जाएंगे गांव। तो यहाँ पे आ गए हैं कंदी पेड़े, सातार के बड़े ही फेमस है ये। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सिर्फ हमने दो ली है, तीन होते ना तो हम आपको भी देते। दो ही लिए है तो दो हम शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अमित को एक लगेगा पूरा पैकेट और एक बांटने में जाएगा, तीन होते तो वो दे देता आपको। नहीं, ये है सातार के स्पेशल कंदी पेड़े, खाने में बहुत टेस्टी है। बहुत अच्छा, और एक रखा है, पहले पहला खत्म होने दो, बाद में हम मतलब बाकी का हम पता नहीं उसका क्या करने वाली है, हजम करने वाले सब। कौन आ रहा है? तो अब हम पहुंच गए हैं अमित के बुआ के घर और यहाँ पे वेट कर रहा है कौन है, बुआ का लड़का अमित के। तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है जब भी हम घर जाते हैं, वो जरूर आता है हमारे साथ। तो चलो देखते हैं कौन कौन आया है नीचे। कौन है यार? तो यहाँ पे दीक्षा और अभय है, तो साक्षी अभी आ रही होगी ऊपर से, तो हम जाके देखते हैं और थोड़ा सा फ्रेश होके आते हैं घर से उनके। तो यहाँ पर उनके घर पहुँच चुके हैं, फ्रेश होके हम आते हैं 2 मिनट में। तो हम फ्रेश हो चुके हैं और हम जा रहे हैं अभी गांव के लिए निकल रहे हैं। तो यहां से नीचे जाएंगे और अभी हम गाड़ी में बैठ जाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा रश होने वाला है गाड़ी में, क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं। तो इस गाड़ी में जब जिसमें हम आए थे उसमें अब इतने सारे लोग पड़ रहे हैं, हम एडजस्ट करके चले जाएंगे। हम पहुंच गए हैं घर, एक एक जितने सारे इतने सारे गाड़ी में बैठ गए थे। चलो उतरो। तो अब हम पहुंच गए हैं घर, रात के 1 बज गए हैं और अब देखते हैं कब खुलते हैं दरवाजा। तो हमने नॉक तो कर दिया है, मेरे सास ससुर सो रहे होंगे। तो अब हम अंदर आ चुके हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये बाहर का रूम है। तो मैं ये मोबाइल से शूट कर रही हूँ इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा लाइट कम है,
तो इसलिए ये इस तरह से दिख रहा है। तो अब हम चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे मेरे ससुर सोए हुए हैं, तो हमारी आवाज़ से वो भी जग गए हैं। तो मैं यहाँ पे बैग को रख देती हूँ और देखती हूँ क्या चल रहा है। तो यहाँ पे चल रहा है भरत मिलाप। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरी सास है, वो सबसे गले मिल रही हैं। तो देखिए आमिर थोड़ा सा शर्मा रहा है यहाँ पे। तो अब है दीक्षा की बारी और इसके बाद आएगी दीदी की, पर दीदी तो बहुत शर्माती है अमित जैसे, तो वो तो भाग ही गई। तो यहाँ पे अब सब लोग रिलैक्स हो गए हैं, मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। यहाँ पे आने के बाद मैंने साड़ी पहन ली है, तो यहाँ पे मैं हूँ, तो हमने थोड़ी सी चाय चढ़ा दी है। तो बहुत ही ठंड से आए हैं बाहर से। तो यहाँ पे देखिए दूसरी गाड़ी भी आ चुकी है, अभय, वीरू और अमित की बुआ, ये लोग भी आ चुके हैं अभी घर, तो उनका भी मिलना हो गया है। तो यहाँ पे जिनको चाय पीनी है उनके लिए हमने चाय बनाई है, और मेरे सासू माँ ने हमारे लिए खाना भी बनाया है, तो मैं वो खा रही हूँ। मैं और मेरी जो ननंद है उन हम दोनों ने ये खाना खाया है। तो मेरे सासू माँ ने बनाया था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, हमें तो बहुत पसंद आया। इन लोगों ने नहीं खाया है, इनको चाय पीनी थी तो ये इन्होंने चाय पी है। तो यहाँ पे अमित और अभय की हो रही है मस्ती, और ये खेल रहे हैं रात के 1 बजे गेम। तो इनको मैंने कहा है 1 बजा है सो जाओ, फिर भी ये सो नहीं रहे हैं। तो लगभग 1 बजने को है और यहाँ पे जो दूसरे लोग हैं वो सो भी गए हैं। तो यहाँ पे जितने दिख रहे हैं उतने ही जगे हुए हैं। तो हमारा भी खाना हो चुका है। तो ये लोग तो आज रात सोने वाले तो है नहीं। तो यहाँ पे बाहर मेरी सासू माँ है, वो साड़ी देख रही है, मेरे ननंद ने बना के लाई है भगवान के लिए। तो इस तरह की साड़ी ये ऑर्डर पे भी बनाती हैं, तो अगर आपको चाहिए तो मुझे बताइए। अमित की बुआ को दिखाना रह गया था, तो ये अमित की बुआ है और ये अमित की दादी है। तो ये सीती है ऐसी साड़ियाँ, तो आपको चाहिए तो बताइए, हम दे देंगे आपको बना के। तो इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर चेक करिए। अगर आपको इस तरह की साड़ियाँ लेनी है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकती हैं। वो अलग तरह की अलग अलग साइज़ की अलग पैटर्न की साड़ियाँ बनाती हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करके आप परचेस कर सकते हैं। तो अभी मैं इस साड़ी को आपको पास से दिखा देती हूँ। ये इस तरह से होगी, ये उसका पल्लू रहेगा ऊपर, यहाँ पे ये दिख रहा है वो पल्लू है, आप देवी माँ के सर पर डाल सकते हैं। आपको बड़ा चाहिए तो वो करके दे सकती हैं। तो अब बज गए हैं 2 और अब मैं जा रही हूँ सोने। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके नेक्स्ट डे का वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, तो अब मिलते हैं कल। और आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।